शो इंडियन आइडल हर बार कुछ ऐसा करता है जिससे ना केवल यहाँ के कंटेस्टेंट्स को खुशी मिलती है बल्कि इस बड़े मंच के माध्यम से कई सारी दूसरी प्रतिभाओं का हुनर भी दिखाया जाता है। इस सप्ताह भी हमें ऐसी ही कई सारी प्रतिभाएं देखने को मिलने वाली है। शो में क्रिसमस सेलिब्रेशन और साथ ही न्यू ईयर सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। सबके लिए गिफ्ट लेकर आए रैपर बादशाह, साथ ही सोशल नेटवर्किंग साइट पर वायरल हुए ऐसे भी कई लोग अपने साथ लाए जो अपने हुनर से पूरे देश में देखे गए। उनमें से एक चेहरा ये भी था। ये लठैत दादी के नाम से जानी जाती है और मंच पर साइली को सपोर्ट करने के लिए आई थी। इन्होंने बताया कि मेरे पास ऐसी ही 10 बच्चियां हैं और मैं एक अनाथ आश्रम भी चलाती हूँ और उनकी सबकी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसे लकड़ी घुमाकर गुजारा चलाती हूँ। दादी की बातों और उनकी आंखों में दिख रही सच्चाई ने सभी को भावुक कर दिया। नेहा कक्कड़ की आंखें भी नम थी। उन्होंने कहा कि मैं मेरी तरफ से आपको 1,00,000 रुपए की मदद करती हूँ और मंच तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नेहा कक्कड़ ने एक बार फिर से अपनी दरियादिली दिखाई। नेहा कक्कड़ के इस कदम की सभी सराहना कर रहे हैं। आप भी इस पर अपनी कुछ राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख छोड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब नाउ।